ये मैंने बॉक्स टाइप का तैयार तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें भगवान जी को रखती हूँ मैं। और ये वाला मंदिर आपको कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मुझे जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे गिफ्ट की थी हमारे दिनेश भैया ने, मुझे शादी के टाइम पे गिफ्ट की थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू ब्लॉग। आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। अभी आज का ब्लॉग मैं 8:15 बजे शुरू कर रही हूँ। 8:10 बज हो रहा है वैसे, हाँ 8:10 बज हो रहा है। डेली की तरह लावण्या स्कूल जा चुकी है। तनिष सो रहा है, इसके पापा भी सो रहा है, लेकिन हर्षू और मैं जाग गई हूँ। मेरी बन रही है चाय, हर्षू तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? दे तैयार हो रहा है भाई साहब हमारे। और आप लोग देख सकते हो मेरी पलंग पेटी है, जितना स्पेस है उतना ही ज्यादा फैला रहा होता है, में कम फैला रहा होता है, ज्यादा जगह में ज्यादा होता है। इंसान को कितनी भी चीज मिल जाए, कितनी भी जगह मिल जाए, उतनी जगह उसे कम पड़ जाती है। मैं स्लैब पे बनाती हूँ खाना, उसमें भी पूर्ति हो जाती है। नीचे बैठ के बनाती हूँ, उसमें भी पूर्ति हो जाती है। आज पलंग पेटी भी बना रही हूँ, पूरी पलंग पेटी भरी हुई है, कोई वो नहीं है। जितनी जगह मिल जाए उतनी कम है, फैला रहा होना चाहिए। हमारे इधर एक बात और बताती हूँ, बिल्ली आ रही है ऊपर, छाए नहीं है। बिल्ली वो शुरू से ही आदत है, यहाँ दूध कितना फेंक फेंक के जा रही थी, फिर डबल आने लगी। पी जा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेंक के जाती है ना तो नुकसान हो जाता है। तो ना उसके पेट में जाता है और ना वो हमारे लिए बचता है, तो ना वो पीती है और ना वो हमारे लिए रहने देती है। तो आज हमने ऐसी व्यवस्था बना के रखी दूध की, देखते हैं आप। डब्बे में डाल के रखे हैं क्योंकि आज हमारे गेहूं पिसेंगे, तो उसमें जगह थी, एक डब्बे में जगह थी तो मैंने रख दिया, और ताकि सेफ रह गया, फेंकने से ही बच गया। फेंक देती है और कुछ नहीं है, ज्यादा लेगी बिल्ली पंजा मारेगी और दूध पूरा फेंक देगी। लावण्या चली गई है, लेकिन उनके लिए बनाना है लंच, क्योंकि ये भाई सब तैयार हो रहे हैं तो ये लेके जाएंगे। और क्यों, मैंने कहा भी भैया आज चावल बनाए थे रात को पापा ने, वो ले जाओ, नहीं मम्मी रोटी बना के भेजना। तो डिमांड भी है रोटी या पराठे बना के उसे देंगे। तो अभी अपना काम कर लें पहले सुबह का। तो नहीं, चाय के साथ रोटी खाऊंगा। ओके, तो भैया ये खा कल ही पराठे बनाए थे तुमने? कल मैंने रोटी बनाई थी, अपने पाइप खराब हो गया था तुम्हें पता है ना, कल चूल्हे पर रोटी बनाई थी। कह रहा है कल भी पराठे बनाए थे, तो कल मैंने पराठे बनाए नहीं क्योंकि गैस पाइप खराब हो गया था, तो ये पाइप लेने गए थे। मैंने चूल्हे पर रोटी बनाई थी तो रोटियां बनाई थी। तो अब बताओ क्या बना दूं, रोटियां बना दूं कि पराठे बना दूं? ओके, तो ये कह रहे हैं भैया रोटी, तो हम रोटी बना लेते हैं इन लोगों के लिए, चाय से रोटी खाने की आदत है। तो अभी हो रहा है 8:15, तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी इनका काम करती हूँ क्योंकि बचा है आधा घंटा, आधे घंटे में इनके लिए रोटी बनाना है, चाय देना है, तो और इनको भी उठाना है। हमारे पति देव जी को सो रहा है वहीं, भैया पापा उठाइए इसको, देखो आप मैं नहीं जा रहे। जाएंगे जाएंगे पापा जाएंगे, और कौन जाएगा? पाँव माँ कुछ नहीं होते भैया, क्या छोड़ के आओ है ना भैया। हाँ होते हैं होते हैं, चलो ठीक है पापा तो उठाओ। उठो अरे जरा सो जान दो यार, दोपहर 8:30 बजे। पापा उठो भाई, ये बच्चों की तरह नाटक कर रहे हैं, पता इतने से बच्चे उठ के बैठ गए हमारे। उठ जाओ, पाँच पे टाटा जाएगा ना, फिर सो जाना। स्कूल कौन छोड़ने जाएगा फिर? हाँ पाँच में कहाँ था, तो होटल में आए।
और क्या, चल तैयार हो जा जल्दी, 5 में कांटा बहुत देर में आएगा। जी कर रहे हैं उठने में नाटक, और बल्कि रात को गेहूं बीने मैंने इतनी रात को, और बुखार चढ़ा मुझे थकान की वजह से, और इन्होंने सिर्फ चावल अकेले भगा रहे तो इनको थकान हो गई, पैर दुखने लगे, और खाए भी लो तो बनाए कौन खा जाएंगे, कावे काजे बनाते तो, अच्छा साहब देखो मेहनत लग रही इनकी, तो देखो काम कर रहे हैं हम, थकान हो रही है हमें, बुखार चढ़ रहा है हमें, कल पता बुखार भी चढ़ गया था बहुत, फिर टेबलेट खाई तब जाके थोड़ा आराम मिला, तो फिलहाल अभी तो हम ठीक है। तो मैं बना लेती चाय जल्दी से, है ना, दे दूँ तू चाय, बन गई चाय मेरी, बस अब चाय पी लेते हैं जल्दी से, आटा गूंथ के रोटी डालते हैं। मैं बना रही हूँ रोटियाँ, आटा मेरा गूंथ चुका है, ये हमारा इंतजार कर रहा है, कहाँ आया ये लड़का, भाई साहब हमारा इंतजार कर रहा है, आओ ये इंतजार कर रहा है मेरी रोटियों का, तो मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, आप लोग कमेंट्स जरूर किया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते लाइक ज़रूर किए कीजिए, और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो ठीक है हम लोग, मैं खाना बनाती हूँ, पहले इनका स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर अब ब्लॉगिंग करती हूँ, उनका लंच तैयार कर दिया, अब मैं पीऊँगी पहले चाय, उसके बाद में खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी है, और हमारा हर्ष भी जाने के लिए रेडी हो चुका है, जूते पोछे नहीं तुमने, मोजे भी नहीं पहने, बाय भाई साहब, ले ले टाइम हो गया रे ज्यादा, 5 मिनट बचे, पलटे पहनी है क्या, चल चल चलो, ये देखो बहती गंगा में हाथ धुल रहा है, भैया बाय, अब देख बाय, कौन वो तो चला गया, मैं पी लेती हूँ पहले चाय अपनी, क्यों चाय बिना तो मेरा सर दर्द होने लगता है, पहले तो मैं अपनी चाय पी लूंगी, मेरा सारा काम हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मगर मुझे करना है एक काम, तो वो अभी तो मैं अकेले नहीं कर रही, क्योंकि मैं करने को मैं कर लूँगी, मगर ये हमारी लावण्या आपने देखी होगी, जरा मैं गुस्सा हो जाती है, कह रही थी मम्मी मैं साथ करवाऊँगी काम, तो वो ये सा काम है कि मंदिर को अभी व्यवस्थित नहीं है हमारा, जैसे हमने महा मंदिर बनाया था, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कुछ बनाने की, कि मंदिर में भगवान जी रखें, मंदिर बनाए भगवान जी का, सलवारियाँ हैं, अब देखते हैं हम कहाँ बनाते हैं, लेकिन कहा था कि मम्मी मैं आ जाऊंगी ना तभी आप करना, तो फिलहाल वो स्कूल से आने वाली है, अभी हो रहा है 12:05, और लावण्या अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर अपन मंदिर बनाएंगे, जब तक मैं खा लेती हूँ खाना, आज मैंने खाने में बनाया है चावल बगरे हुए और हरी भाजी रोटियाँ, मैं जब तक खाना खा के रेडी होती हूँ वो आ जाएगी, फिर अपन देखते हैं आज क्या बनाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो आप आज क्या क्या होता है पता नहीं, बहुत सारे काम है, काम 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 ही है रोज, आप लोग भी सोचते होंगे ये क्या करती हैं, बस सिवाय काम के और कुछ नहीं दिखाते, नहीं दिखाएंगे हम, दशरोंज में भी तालाब पे मेला है, मतलब तालाब है, वो आधे पोर्शन आधी जगह सूख गया है, दशरोंज में तालाब है, तो वहाँ पे सूखी जगह है तालाब में कुछ, तो वहाँ पे मेला लगा हुआ है, अच्छा बहुत अच्छा मेला लगा है, तो आप लोग को हम वहाँ भी ले चलेंगे, काफी टाइम पहले भरा आया था जब लावण्य थोड़ी छोटी थी और हर्षु तो हुआ ही नहीं था, अब भरा है जब से, तो अब हम चलेंगे वहाँ मेले में भी, अब देखते हैं किस दिन जाते हैं, तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे, तो थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाएगा और अपना एंजॉय भी हो जाएगा बच्चों का भी, वैसे विदिशा के मेले घूम ही आए, लेकिन अब सरोज में जब भरा है तो वहाँ भी क्यों छोड़े हम, चलेंगे और आपको भी लेके चलेंगे, तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ खाना, ये आ चुकी है स्कूल से, ये आज अपन कुछ तैयारी करने हैं ना, अब तुम आ गई हो तैयार हो जाओ, खाना वाना खा लो, फिर अपन लोग तैयारी करते हैं, वो तो हम अभी बाद में ही बताएंगे आपको, काय की तैयारी चल रही है ना लावण्या, अरे बातें जाएंगे कितने बंदे जाएंगे।
तो ठीक है लावण्य, तुम नहा के तैयार हो जावे ना, मंदिर को जमाएंगे। चलो हो गए तैयार, आज रोए तो नहीं थे? नहीं। हमने आपसे बोला था कि हम लावण्य जाएगी नहा लेगी तो उसके बाद ही हम मंदिर को डेकोरेट करेंगे। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं लेकर आई हूँ अपनी शॉप से ही साड़ी, तो मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद हम सब बताती जाती हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप लोग मतलब जैसे टाइम मिला मैं वैसे ही गई नीचे वाली शॉप पे, वो हमारी एक साड़ी की शॉप है और एक सूट की है, तो वहीं से गई फिर मैं एक साड़ी लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, हर एक चीज़ शेयर करना चाहिए। वैसे तो मुझे मैं खाना बना रही थी तो मैं अपने लिए पहले चाय बना रही थी, लेकिन मैं पहले आपको अपनी जो लेके आई हूँ साड़ी, अभी तो हमने ही नहीं देखी, बताती हूँ। ये हमारी शॉप की लेकर आई शॉप से, ये देखिए अभी इसमें मैचिंग मिलवाना है। ये साड़ी लेके आई हूँ, ये मस्त लग रही है साड़ी, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत साड़ी है, कलर भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छी साड़ी लगी है, तो अच्छी लग रही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये साड़ी अकेले लेकर आई हूँ और अब बनाते हैं अपन चाय, फिर चाय पी के बैठूंगी, फिर मैं आपको एक काम बताया था सुबह कि मुझे मंदिर करना है, तो मंदिर करेंगे तैयार। तुम क्या कर रहे थे दिन भर से, क्या कर रहे थे तुम? खेल रहे थे। ये शिकायत भी लगा रहा और कह भी रहा है कि हम क्या कर रहे थे आज दिन भर से, ये लोग खेल रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे। तो मैं मार्केट गई, मैं साड़ी लेके आई, अब मैं बनाऊंगी चाय, फिर चाय पी के अपना काम करेंगे और जल्दी जल्दी भगवान जी को मंदिर में रखेंगे, क्योंकि अभी इस घर में मंदिर में भगवान जी को मंदिर में नहीं रखा है, ये खाली है। तो हम बनाते हैं चाय, मैं बनाने लगी चाय, तो पहले चाय बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ मैं स्वेटर पहन ली मैंने, ठंड तो है लेकिन थोड़ी कम हैगी, और आप लोग को बताइएगा आपके यहाँ कैसी क्या पड़ रही ठंड, कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी बहाने कमेंट्स कर दिए कीजिए कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है, कि आप लोग कैसा सर्दी है हमारी यहाँ थोड़ी कम हो गई है। अब आपको बच्चों की मस्ती दिखाती हूँ, बहुत मस्ती कर रहा हूँ। अब ये क्या हुआ? परेशान करते हैं फिर, बढ़िया है, बच्चों को मस्ती करते रहना चाहिए और खूब करो, खूब अच्छी लगती है। जी हमारी लावण्य ने कुछ बना के बनाया ओ, कलाकार है हमारी लावण्य, कुछ ना कुछ बनाती रहती है कभी कभी देखो भैया ने मुझे उतार दिया, भैया ने मुझे उतार दिया। आप लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पहली बार मैंने इस टाइप की कुछ चीज बनाई है, ये ड्राइंग अच्छे लग रहा है। चाय पीना, हम तो पहले चाय बन चुकी है, हमने जो हमारी चाय बन चुकी है चाय पी ले, अच्छा भैया को चाय दे तो भैया चाय पिएगा,
भैया भी पिएगा, हम लोग भी पिएंगे, सब जाए चाय पी लेते हैं। आ जाओ हम इच्छिए तो अब हम इसे खन को करते हैं तैयार, जितना हो सकेगा जैसा हो सकेगा हम तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिएगा अपन कोशिश कर रहे हैं, पहले वाले जो अपन ने उधर मंदिर बनाया था वैसा मंदिर बन जाए। उसमें कुछ ज्यादा सजावट हो गई थी, इसमें ज्यादा हो गई थी सजावट, कोशिश तो इसकी भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अरे ज्यादा अच्छा नहीं तो ज्यादा सोबर ही बना लेंगे, सिंपल सोबर बना लेंगे है ना। फिलहाल क्या है कि रात हो गई है, 8:25 हो रहा है, तो अपन अपने हिसाब से बना ले रहे हैं टाइम को देख के। क्या है कि कोशिश कर रहे हैं लगाने की, अच्छा लगेगा क्योंकि अभी प्लास्टर हुआ नहीं है अपना, तो यही अच्छा लगे बिना प्लास्टर के। बिना प्लास्टर के उसको भी सजाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे तनिष ने पेस्ट तैयार किया था, खत्म हो चुका है। लब्बों ने, सॉरी लब्बों ने, तनिष ने, लब्बों ने, दोनों ने, बस होने ही वाला है मंदिर। ये मैंने बॉक्स टाइप का तैयार तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें भगवान जी को रखती हूँ मैं, फिर उसके बाद पूरा ब्लॉक तैयार करेंगे। ये हमारा मंदिर, ये मैंने कोशिश की है मंदिर बनाने की, मतलब जमाने की। और ये वाला मंदिर आपको कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे दिनेश भैया ने मुझे शादी के टाइम पे गिफ्ट की थी राम दरबार पे, 11-12 साल हो चुके हैं, 2012 में हमारी शादी हुई थी, तो जब गिफ्ट की थी। ये बहुत बड़ी साइज में है, इसका साइज बड़ा है तो हमारे अलमारी में आ नहीं रही है जो मंदिर बनाया है, तो इस वजह से हमने इसको अलग टांगा। अगर ज्यादा दूर टांगेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हमने जस्ट बगल में ही टांग दिए। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हमारा मंदिर कैसा लगा। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।